Sri Samarvaj Sahu. बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी. पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन करने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिस पर चर्चाएं चल रही हैं, मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं. सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको उनका समुचित अधिकार मिले, उसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकृत हो जाता है, बन जाता है, तो एक विश्वास पैदा होगा पिछड़े वर्ग के लोगों में कि हमें भी अपने अधिकार मिले हैं. सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण का उल्लेख है, माननीय मंत्री जी इस पर अपने जवाब में कहेंगे, शायद आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के विषय में भी कोई चर्चा हो. ये कहा गया अभी और बाहर भी, जब बिल लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में हमारे पहले वक्ता के रूप में हमारे दल से राजीव सातव जी, हमारे वरिष्ठ सांसद, इसमें भाग लिए. कहीं पर भी हमारे पहले वक्ता ने इस आयोग के, इस विधेयक के विरोध में बात नहीं किया है. लेकिन उसके बाद से बाहर बीजेपी प्रचारित करती रही अपने मंचों में, कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है, आयोग नहीं बनने दे रहा है, विरोध कर रहा है, कहीं इस प्रकार की बात हमारे दल के द्वारा नहीं कही गई है. कांग्रेस पूर्णतया इसका समर्थन करती है, कहीं पर भी हम इसके विरोध में नहीं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं राजनीति से हटकर इनमें बात करना चाहता था, पर अभी राजनीति की कुछ बातें आई, मैं उसका उल्लेख बाद में करूंगा. हम पूर्णतया 10x10 का एक स्क्रीन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 वर्ग फीट का. एससी एसटी का आरक्षण है, आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें एससी एसटी के लिए आरक्षण किया, 15-3 दोनों, हमारा 22.5% आरक्षण है. 10x10 के स्क्रीन में 100 स्क्वायर फीट में 22.5% में हमारा एससी एसटी का आरक्षण है. शेष 78% में हमारा ओबीसी देखता है कि हमारा स्थान कहां पर है. पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में ओबीसी की स्थिति अलग अलग है, कहीं 40%, कहीं 50, कहीं 69 है, 60 है, 42 है. कुल मिलाकर औसतन ऐसा माना जाता है कि ओबीसी पूरे भारतवर्ष में 52% उनकी जनसंख्या है. 52% के आधार पर हमारे एक साथी अभी बहुत अच्छा कह रहे थे, जितनी संख्या उसके अनुसार उनका आरक्षण सुनिश्चित हो, ये काम उनका होना चाहिए. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ बातों का आग्रह भी करना चाहूंगा. 4 साल हो गया इस सरकार को, अभी कहा गया कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, बीजेपी ओबीसी का पूरा समर्थन करती है. ये आयोग जब 8 माह चुनाव बचा है तब उसके गठन की प्रक्रिया आ रही, सरकार बनते ही क्यों नहीं हुआ? अगर सही मानों में ओबीसी को आरक्षित, उनका आरक्षण करके उनको सुविधाएं देना चाहती, कहीं ऐसा ना हो कि आयोग का गठन तो हो जाएगा, बाहर चुनाव तक भाषण का अंश हो जाए कि हमने गठन किया, हमने आयोग बनाया, हमने आयोग बनाया, पर तेज गति से उस पर काम ना हो पाए और उनको ओबीसी को उनका अधिकार ना मिल पाए. इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें तत्काल आगे इस पर काम बढ़ना चाहिए. कुछ बातें हमारे बहुत वरिष्ठ महताब जी ने बातें रखी हैं, जैसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियां एससी एसटी ओबीसी में आता है, उसका निराकरण हो. मैं इसमें एक शब्द और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, एससी एसटी ओबीसी में अलग अलग कास्ट अलग अलग प्रदेशों में तो आता है, उसका निराकरण हो, पर इंटर कास्ट मैरिज होता है माननीय मंत्री जी. लड़की अगर ओबीसी का है और लड़का दूसरे कास्ट का है, एससी एसटी का है, या लड़का ओबीसी का है लड़की दूसरे कास्ट का है, और उसका आने वाला जनरेशन ओबीसी में आएगा कि किस में आएगा, इस पर भी एक चर्चा का विषय भविष्य में जो होना है, उस पर भी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पे जरूर ध्यान दें अपनी बातों को. मैं आग्रह माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तत्काल आयोग का पारित होने के बाद ये गठन हो, चुनावी जुमला बनकर न रहे. ओबीसी के टोटल प्रॉब्लम्स और डिमांड
प्रत्येक राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं ओबीसी की, और प्रत्येक राज्य में उनकी समस्याएं भी अलग अलग है और उनके आवश्यकता और मांग भी अलग अलग है। हर राज्य में अलग अलग ओबीसी के कास्ट की अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिमांड पर चर्चा हो और सभी क्षेत्र में उसके अनुसार उनका निराकरण भी हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सभी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को उनका समुचित अधिकार मिले यह सुनिश्चित किया जाए। सभी क्षेत्र में मतलब नौकरी में भी, शिक्षा में भी, व्यवसाय में भी, सभी क्षेत्र में उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान में ओबीसी पीड़ा के जिस दौर से गुजर रहा है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मूलभूत अधिकारों से ओबीसी वंचित है। अलग अलग जातियों से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा करके उस पर निराकरण करना चाहे, आयोग बना करके इतने में ना रहें, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में, अलग अलग सभी विभागों में पद रिक्त हैं, उनको इस ढंग से विज्ञप्ति निकालते हैं भरने के लिए कि आरक्षण का लाभ ओबीसी को ना मिले। दो पद भर्ती का निकालते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, अगर 10 पद निकालेंगे तो आरक्षण का लाभ मिलता है। इसलिए जो शीर्ष पद पर बैठे हैं आप हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, महाविद्यालय में, वो 10 पद का एक साथ नहीं निकालते ताकि, क्योंकि आरक्षण का लाभ ओबीसी को मिल जाएगा। वो दो पद निकालते हैं, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, वो भर्ती हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर दो पद निकालते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर दो पद, ताकि आरक्षण का लाभ ओबीसी को न मिले। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस दिशा में भी ध्यान दिया जाए, पढ़ाई में, नौकरी में, व्यवसाय में, हर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले, उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाए। पिछड़े वर्ग के हित की बात करते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, पिछले बार भी हम लोगों ने चर्चा किया, अलग से मंत्रालय का गठन हो ताकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, 52%, हम 3% 15% के लिए एक मंत्रालय बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको आगे ले जाएं। बड़ा वर्ग है उसके लिए भी एक मंत्रालय बने ताकि उनको हितों का संवर्धन हो सके, रक्षा किया जा सके। क्रीमी लेयर के लिमिट बढ़ाने की बात आई आपके सामने, मैं छात्रवृत्ति की भी बढ़ाने की बात आपसे करूंगा, कोचिंग व्यवस्था की बात हो, छात्रावास की व्यवस्था की बात हो, विदेशों में हमारे छात्र अध्ययन करने जाते हैं ओबीसी के, उनके लिए भी हो। अभी जातिगत जनगणना 2011 में लागू किया गया, उसको अभी तक जानकारी उसको बाहर नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको डिक्लेयर किया जाए कि इस देश में कौन कौन से जाति के लोग कितनी कितनी संख्या में है, कितना प्रतिशत है, और इस आधार पर किसको कितना लाभ मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की भी बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान, बस दो मिनट में उपाध्यक्ष जी खत्म करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में भी 27% आरक्षण लागू हो, बोल रहा हूं, जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो कठिनाइयां हैं उसके पर भी चर्चा हो, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। कुछ एक अभी बातें आ रही थी माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। एक मंडल कमीशन और बाबा काका कालेकर की बात आई, काका कालेकर कमीशन का गठन कांग्रेस शासन में हुआ, जो कांग्रेस को ओबीसी का विरोधी अभी बताया जा रहा था। मंडल कमीशन का गठन हुआ, 11 सिफारिशें दी गई जिसमें 3 लागू हुआ, और अभी ये जो बात आ रही थी 27% आरक्षण को बीजेपी ने किया, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया गया, ये रिकॉर्डेड चीज है, इसमें मेरे तरफ से कोई कहने की चीज नहीं। और तत्कालीन, नाम सहित दे रहा हूं, तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री सीताराम केसरी जी ने ओबीसी से आने वाले वी राजशेखर की प्रथम नियुक्ति की मंडल कमीशन की अन्य सिफारिशें लागू करने के लिए। माननीय मंत्री जी, कांग्रेस कभी भी विरोध में नहीं रही है ओबीसी को अधिकार देने की, समय समय पर उनने काम किया है
और आज भी हम इस चीज का समर्थन करते हैं, कहीं पर भी विरोध नहीं करते, पर आपसे आग्रह करते हैं कि चार साल में अभी आयोग के गठन की बात आपके दिमाग में आई है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री ओबीसी का है, प्रधानमंत्री बन गए फिर चुनाव तक के अनाउंस करते रहे कि हमने आयोग का गठन किया और अधिकार कुछ ना मिले इन 8 महीनों में ओबीसी को, ऐसा न हो ये आपसे मांग करते हुए उपाध्यक्ष जी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।